नमस्कार बुलेटिन को स्वागत मु स्मृति लग्ना प्रथमे देखिबा हेडलाइंस कोहळ मनोभाव देखाइला कि विजिलेंस स्टाफ सिलेक्शन कमिशन को व्यक्तिगत सचिव बिरंची साहू को जामिन परे उठला प्रश्न विजिलेंस रो भूमिका परे चारियाडे चर्चा बड़ भाकुड़ों को सुरक्षा पाई छोट माछ को खसाइबा पाई व्यवस्था करथिला कि विजिलेंस ट्रेन्रे भसी छात्र ज्योति प्रकाश मृत्यु घटना भुवनेश्वर छात्र कांग्रेस रो प्रतिवाद आईन मंत्री प्रताप जेना बहिष्कार सह दोषी विरोध में तीन दिन भितर कार्यानुष्ठान दाबी आग को आंदोलन करने को चेतावनी झुरुचि परिवार झुरुछन्ति सांगसाथी ज्योति मृत्यु पर स्तब्ध होती समस्ते कहारी मुहरे नहीं भाषा मेधावी छात्र को हराई गुमरे कांदुची पुरा स्कूल गिरफ चांदीपुर आईटीआर कर्मचारी पाखक आसुला दुबई रु टंका सुराग पाइबा परे एयरफोर्स दुईटी टीम सह क्राइम ब्रांच तनाखना फोरेंसिक एनालिसिस लैबोरेटरी पठागला जबत मोबाइल आसुची बड़ वर्षा 25 तारीख बेलू आउ एक लघुचाप सृष्टि होवार संभावना एपटे सृष्ट घूर्णिबलय प्रभाव में राज्य में वर्षा जारी कटक रे भी सजग है प्रशासन एवं वासिम जफर का पाकिस्तान प्रेम पूर्वतन क्रिकेटर ट्वीट को नहीं विवाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सपक्ष में बयान को समालोचना ओडिशार कोच हा घोषणा पर भी होता विरोध संपूर्ण खबर को आसीबा कोहळ मनोभाव देखाइला कि विजिलेंस खसीगले ना खसाई दिगला स्टाफ सिलेक्शन कमिशन को व्यक्तिगत सचिव बिरंची साहू को शर्तमूलक जामिन परे प्रश्न उठिला आज बिरंची को हाईकोर्ट शर्तमूलक जामिन प्रदान करिसेंति तदंतरे सहयोग सहित कौनसे मुहूर्त में बाहर को जापारे ना बिरंची बोली शर्त रही ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सदस्य पीएस बिरंची नारायण साहू को आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग होता ओएसएससी विभाग अवसर नहीं खुंटिया बाबू मध्यम बिरंची मिसी निजुक्ति नहीं डिल करुले अभोग आ भुवनेश्वर ड्रेन में पड़ ज्योति प्रकाश मृत्यु घटन कांग्रेस रो प्रतिवाद दल कही 2015 ड्रेन पानी रे भासी जाई सात जन मले किंतु सरकार एथप्रति निघा ना नगर उन्नयन विभाग रे सचिव भाव जी माथि वातनन छ वर्ष हेब कार्य करुछंती काहिके एते वर्ष हेब अछंती बोली विधानसभा प्रश्न रे उत्तर आसुची जे से जनहितकर कार्य करुछंती बोली जदे से जनहितकर काम करुछंती ताले ड्रेन रे भासी जाई राजधानी रे काहिके लोक मरुछंती खाली जी माथि वातनन नुहंती मंत्री प्रताप जेना विधायक अनंत नारायण जेना मंत्री अशोक पंडा मध्य एथिपाई दायी तीन दिन भितर दोषी को दंड मिलू बोली दावी करुछी कांग्रेस बीएमसी कमिश्नर संजय सिंह व मंत्री प्रताप जेना को बहिष्कार दावी करुछी दल आम दर्शाया पाँच जाऊे जो भाई भाव में छात्र जीवन टी का चितार जलीगला से भाई भाव में आगामी दिन में सरकार दुर्नीति दिने चितार ढली मार लुहरे ये सरकार दिने बुड़ीज आम यह दर्शाया चाहूँ जेपर्यंत से छात्र को से परिवार को 50 लाख टकर सहायता राशि प्रदान नक से पर्यटन छात्र कांग्रेस लड़े जारी रखे केवल से छात्र जेको छात्र को विपर्यस्त आस छात्र कांग्रेस सर्वदा छात्र छात्री मान पचर ठिया हेबर नगर उन्नयन मंत्री प्रताप जेना एवं बीएमसी कमिशनर बीएमसी सेक्रेटरी एवं अशोक पंडा विधायक एवं सर्वशेष निजे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक दायी नगर उन्नयन विभाग संपूर्ण रूपे दायी नगर उन्नयन विभाग खाली मिछरे बाहाना कर जानते धमक जानते कि भाव में मानने नगर डेभलपमेंट हम से पछे भुंजा दे टा राशि पीसी आकार लुटी नहीं चलते कंदाई चलीगले ज्योति परिवार ठो आरंभ करी सांगसाथी समस्त आखिरे लुह कांदी कांदी परिवार लोकों आखिरु लुह सरुना सेपटे स्कूल गुरुमा गुरुजी सांगसाथी समस्ते झुरी होचंती ज्योति को प्रियर ज्योति आउजे फेरिबे नाही एक कथा को सहजरे ग्रहण करी पारु नाहंती माने झुरुची परिवार
झुरुछन्ति सांगसाथी सेमानक गहणरे नाही किंतु मनरे स्मृति होई रहिबे ज्योति। राजधानी मुकुला ड्रेन में पड़ी दशम श्रेणी छात्र ज्योति प्रकाश बेहरा मृत्युवरण करिबा परे पूरा स्कूल स्तब्ध होई पड़ी। कहारी मुहरे भाषा नहीं निजर प्रिय साथी को जाओ देखि पारिबे नहीं ताहाकु ग्रहण करि पारु नाहंती एमाने। सांग आसी पाखरे बसिबनी कि रागरुसा हेबनी कि मान अभिमान हेबनी एहाकु भाबि पारु नाहंती छात्र छात्री। एपरिकि स्कूल गुरुमा गुरुजींक मुहरे भी भाषा नहीं। मेधावी छात्र ज्योति को हराई आज कांदुछि पूरा स्कूल। एहा हेउछि यूनिट 8 स्थित सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल दृश्य। ज्योतिंक स्मृति रे एठारे शोकसभा आयोजित होईछि आउ पूरा स्कूल ज्योतिंक पई झोरी होउछि। से जने मेधावी छात्र अटंती आम विद्यालय रे टॉप 15 रु टॉप 20 रैंक भितरे से रहंती एवं बहुत सहिष्णु मध्य। एटा तो सब दिन पई गोटे दुख होई रही गला एटा के भूली होबनी। आमे एबे जहा किछ करूचे से गोटे लौकिकता गोटे औपचारिकता प्रकृत रे किछ भी करि परिवानी आमे केवल दिवंगत आत्माकर सद्गति हो भगवान चरणाश्रित हो एति केवल प्रार्थना करिबा। ज्योति मृत्युरे पूरा स्कूल मिलमाण गुणरे मध्य बे शांत स्वभावर थिले बोली कहंती ज्योति सहपाठी। पूरा स्कूल ज्योति मृत्यु को सहजरे ग्रहण करि पारु नथिबा बेले एभली घटना पई सरकार को दायी करिछंती स्कूल प्रधान शिक्षक। भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी आम विद्यालय स्मार्ट स्कूल एवं भुवनेश्वर खोर्धा जिले रे इहला एक नंबर विद्यालय बोली सरकार मध्य मान्यता प्रदान करिसंती। एसबु सत्वे स्मार्ट सिटी स्मार्ट स्कूल स्मार्ट बॉय किंतु सामान्य वर्षा रे तार जीवन दीप लिभिगला। तेणु आम क्या कहबू सरकार को दोष देवु ना क्या आम दोष देवु तो विद्यालय से जो मेधावी छात्र ता कर्तव्य तो केवल अवहेला करनी मैंने वर्षा पा से खात नक आसी विद्यालय पाठ पढ़ापे से सब चिंता करूला परीक्षा तो वर्ष दशम श्रेणी ना शिशु मान गहन से जो आज बसी था सभा कार्य से आज गोटे स्मृति हो गला यहाँ माना बेसी कष्ट। द्वितीयतः आम हूँ तार पितामाता जो कार्यटा संतान भाव से आम मान पालन करवा कथा आम मैंने आज विधि व्यतिक्रम कला भाई अनुभव स्कूल झुरुछन्ति सांगसाथी समस्तंक हृदय रे स्मृति होई रहिबे ज्योति प्रकाश। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र मल्लिक सह स्वप्नांजलि महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज। राजधानी रे चांचल्य स्वामी को अति निर्मम भाव में हत्या कला स्त्री। भुवनेश्वर चंद्रशेखरपुर थाना अधीन डबणा बस्ती में घटी अभावनीय घटना। मृत व्यक्ति होउछंती साम मुंडरी से बीएमसी रे सफेई काम करती गतकाली राति रे हत्याकांड घटी जाइछि। आज स्थानीय लोक संध्या करिवारो पुलिस को खबर देथिले आ तापरे पूरा घटना प्रकट होइथिला। चंद्रशेखरपुर थाना पुलिस तदंत आरंभ करबा सह अभियुक्त पत्नी को अटक रखिछि। तबे हत्याकांडर कारण जना पड़ी नथिबा बळे साइंटिफिक टीम घटनास्थल रे पहुंची तनाघना आरंभ करिछि। राजधानी रे पुणे मातिले गंजे माफिया। बरमुंडा बस स्टैंड रो विपुल परिमाणर गंजे जबत। अबकारी विभाग गंजे चालन बेले जणे युवकंकु गिरफ करिछि एवं तांकठारो 55 केजी रो गंजे जबत करिछि। जबत गंजेर मूल्य 2 लाख टंका हेबो। गिरफ युवक जणक कंधमाल रो बोली जणा पडिछि। अबकारी टीम बारंबार गंजे माफियांकु गिरफ करुथिले बि मास्टरमाइंड पाखरे किंतु पहुंचि पारु नाही। इजे ट्रक लॉजिस्टिक्स ऑफिशियल आप आज लॉन्च हो जाएगी। तबे गत जनवरी मासरु एही ट्रक ऑफलाइन माध्यम रे काम करि आसुची। एबे टेक्निकल जुग तथा अत्याधुनिक पद्धति को समस्त अपनाउछंती तेणु एहा केउ भली भाबरे ऑनलाइन रे लोकमानक पाखरे पहुचिबो सेति पई फाउंडर कालीप्रसाद रथ चिंता करी एभली एक आप इजे ट्रक आप लॉन्च करिसेंती। ए कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भाबरे उपस्थित थिले संवादर मुख्य संपादक समरंजन पटनायक। एही आप विशेष करी बिजनेस प्रपोजल पई होईची। भुवनेश्वर कटक सहित माइनिंग अंचल माने केन्दुझर जाजपुर राउरकेला एभली अनेक सहर रे धीरे धीरे ए आप माध्यम रे लोक माने सुविधा पाई परिबे। इजे ट्रक रो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एलोरा सडंगी मध्ये उपस्थित रहितले। ए आप हिंदी इंग्राजी भाषा
रहिबा सहित ओडिया लोकंक पई ओडिया भाषार मध्य व्यवस्था रखुछि। इजी ट्रक लॉजिस्टिक्स रा जो नुआ व्यवसायटी आरंभ हिचे पूर्वर से माने ऑफलाइन रे करूथले किंतु आजिरो जुगरे ऑनलाइन रे जोड़ी नहले सफलता सेतिके अधिक मिलिबो नै आ विशेष करी कोरोना काल रे जो कटकणा भितरे आमे काम करूचे सेथरे ऑनलाइन आमको बहुत परिमाण रे सहाय्य करूचे। प्रथम भुवनेश्वर सीमित अच्छे बर्तन आम बर्तमान भेरी बहुत जल्दी आम अल ओडिशा आम जावा चाहूँ आमर एटा होचली इंटरस्टेट स्टेट भितर रही बिजनेस आम आउटसाइड स्टेट ना आम ओडिशा को फोकस करे ही बर्तमान एम अच्छे ग्रोन करने एक्चुअली काली रत्न जब प्लान किया था तो ओडिशा के लिए किया था तो हम लोग ओडिशा में ही मोस्टली ये काम कर रहे हैं और जितना हो सके उतना यूजर को ऑनलाइन ला के उसको फ्री करके काम करना है। कुनी झी मंजुला पाई नूतन जीवन दीर्घ तीन मस जीवन मृत्युर लड़े में सुस्थ हो मंजुला साप कामुड़ा पर अंधविश्वास वशवर्ती हो रही है मंजुला मंजुला उद्धार होगापर एसीबी प्लास्टिक सर्जरी विभाग दीर्घ दिन अस्त्रोपचार पर आज मंजुला को नुआ जीवन मिली जीवन आशा छाड़ी मंजुला और तांक माँ नुआ जीवन पाइबा आज एसीबी रु फेरी आसी घर को अगस्त मास सेकंड स्टेज है सेकंड स्टेज सर्जरी भी सक्सेसफुल है तार पेसेंट रिकवरी टाइम टिके डिले रहिला बिकज पेसेंटर न्यूट्रिशन बहुत कम थिला हिलिंग टिके डिले हला बर्तन सबू वुंड्स सुखी जाइछि आउ हाथ भी सुखी जाइछि हाथ रे से मूवमेंट चालू कलानी मेडिकल कल बुलाले भल भल नै तन से कटक ले आला करी कटक रे भल हला ए मोर जिया खुशी रे आछि से हाथ हाथ आसु छाणी जे से गोड खन बंका हल छि हटा खन भल हाथ हला भल हाथ एबे हाथ केमति कोन काम करछ सब हो एंती हलु छी हाथ अच्छा समय छोटो ब्रेक रो ब्रेक पर फेर बा खबर को आसुच्छे बड़ वर्षा 25 तारीख बेलू आउ एक लघुचाप सृष्टि होवार आशंका देखा मिली जार प्रभाव में राज्य में प्रबल बर्ष अनेपटे बंगोपसगर सृष्ट घूर्णिवल प्रभाव में राज्य किसी स्थान में वर्षा हो आज राज्य 9 जिले में वर्षा होवार संभावना रही बेले सबु स्थान को येलो वार्निंग जारी कर पाणीपाग विभाग पचीस को आसुच्छे आउ एक लघुचाप राज्य में किसी जिले में आज और आसंता काली वर्षा संभावना रही है नौटी जिला को येलो वार्निंग जारी हो जिलागुड़िक सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा देवगढ़ संबलपुर बरगढ़ सोनपुर बलांगीर कलाहांडी और नुआपड़ा ए सबु जिले में किसी स्थान में अल्पर मध्यम धरणर वर्षा संभावना रही पश्चिमबंगर गांगेय उपत्य सृष्ट घूर्णिवल सक्रिय हो प्रभाव में दक्षिण गांगेय उपत्य एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबड़े आसंता 25 तारीख बेलू बंगोपसगर पुणी एक घूर्णिवल सृष्टि होवार संभावना रही घूर्णिवल सृष्टि 48 घंटा मध्य ओडिशा उपकूल छुईब और ता प्रभाव में 26 तारीख राज्य में प्रबल वर्षा होवार संभावना रही भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पापाग केन्द्र पक्ष सूचना दीजिए 24 घंटा ओडिशा उपर दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु सक्रिय रही जहाँ प्रभाव में उत्तर ओडिशार अधिकांश स्थान में हालुकर मध्यम धरण वर्षा रेकर्ड कर सर्वाधिक वर्षा संबलपुर जिलार हीराकूट ठार 105.5 मिलीमीटर रेकर्ड कर छड़ा उत्तर ओडिशार आहरी 6 स्थान में प्रबल वर्षा रेकर्ड कर आगामी 24 घंटे ओडिशार अधिकांश स्थान में हालुकर मध्यम धरण वर्षा संभावना रही आम 4 जिला को प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना रही गोटे दुईट स्थान में मयूरभंज बालेश्वर केन्दुझर ढेंकानाल 4 जिले में येलो वार्निंग जारी करपरी केतक जिले में जमी 10 जिले में आम प्रबल वर्षार संभावना थी येलो वार्निंग जारी करपर बिजुली घड़घड़ संभावना थी केतक जिले को येलो वार्निंग जारी कर अनेपटे पुणी वर्षा संभावना रही मुकाबला प्रस्तुति आरंभ हीराकुद ड्याम्रे पुणी धीरे धीरे खोलुछि गेट
नदी में जलस्तर बढ़िले भी कटक जिले में कौन बना परिस्थिति नहीं। जदि नदी में पा बढ़े जिला प्रशासन जलसंपद विभाग संपूर्ण प्रस्तुत कटक जिलापाल से आसंता 26 तारीख बेलू आउ एक लघुचाप वर्षा होवार आशंका रही। जदि लघुचाप वर्षा हुए जिला प्रशासन प्रस्तुत रही। पूर्व लघुचापे किसी शिखा को मिली कटक जिलापाल बर्तमान जो वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट आमर एडमिनिस्ट्रेशन तहसील ब्लॉक सबु एडमिनिस्ट्रेशन से माने सबु अलर्ट अछन्ति। आगरु आमे से मानुंको अलर्ट करितलु से माने वर्तमान अलर्ट अछन्ति। बन्या जनित कोनोसी प्रॉब्लम हबो नाय आमे ता पई प्रस्तुत अछु। आगरु तो लघुचाप आम पाखरे आमे फेस करिछु एवं वर्तमान मध्य आम जिल्ला रे आमे प्रस्तुत अछु। आसुछि बड़ वर्षा गोटी परे गोटीए वर्षा आसुछि मात्र ड्रेन व्यवस्था सुदूर नथिबारु ट्विन सिटी रे जलबंदी समस्या देखा देउछि। कटकु विश्वजीत दास और भुवनेश्वर कैमरा पर्सन टुना मंडल चिन्मयी साहू का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। गिरफ चांदीपुर आईटीआर कर्मचारी पाखक आसुला दुबई रु टंका क्राइमब्रांच एमती सुराग पाइबा तदंत प्रक्रिया को आहरी जोरदार कर एयरफोर्स दुईट टीम सह मिश क्राइमब्रांच तनाखना आरंभ कर जबत होता मोबाइल को फरेनसिक् आनालीसीस लाबोरेटरी पठा जा कथा क्राइमब्रांच एडीजी कहते सेपटे ग्राउंड जीरो स्थित एवं समस्त मुंडबिंधार कारण पलटि। विवादरे पाकिस्तान गुइंदा संस्था आईएसआई पाई काम करुथबा चांदीपुर आईटीआर रो पांच कर्मचारी सेमानक निकट को दुबई रु टंका आसीथिबा कथा कहिछि क्राइमब्रांच। क्राइमब्रांच एडीजी संजीव पंडा को कहिबा अनुसार समस्त मोबाइल फोन जबत करा जाइछि। से सबकु तदंत परिसर भितर को निया जाइछि। सेमानक सोशल मीडिया रो अकाउंट को तर्जमा करा जाउछि। दुबई रु जड़े अभियुक्त को 38,000 टंका लेखाएं दुई किस्ती आसी टंका अन्य अभियुक्त टंका कारबार तदंत जारी रही। जड़े महिला विभिन्न परिचय दे एभली अभियुक्त संपर्क आसी एडीजी एडीजी आहरी कहते फेसबुक मेसेंजर पर ह्वाट्सअप्रे तथ्य आदान प्रदान करते संपृक्त महिला यूके रो एक टेलीफोन नंबर व्यवहार करुले से महिला तदंत परिसरभुक्त करने क्राइमब्रांच चेष्टा जारी रखी। एयरफोर्स दुईट टीम क्राइमब्रांच टीम सह मिसी तदंत कर एनआईए टीम कौन जेरा करना जो फोन गुड़िक जबत हो तार फोरेंसिक एनालिसिस लैबोरेटरी को पठाजी। अभियुक्त मैंने कौन उपाय टंका कारबार करती कि से सबुर जांच करजी मध्यम दुई दिन धरी से जेरा करुछंती। वर्तमान आम जो टेलीफोन गुड़िक मिली तार फोरेन्सिक एनालिसिस लैबोरेटरी को पठेबू एवं अभियुक्त माने अन्य को मोड्रे बैंक रे आउ टंका नहीं कि नहीं सेटा मध्यम आम अधिक तदंत करिबू। सेबडे केवल दुबई रे नुहे समानक निकट को डंगारे टंका आसीथिबा क्राइमब्रांच टीम संदेह करुछि। वर्तमान सुधा सेमानक बैंक अकाउंट रु टंका आसीथिबा ने प्रमाण मिलि नथिबा बेले बांग्लादेशी शरणार्थीक जरियारे ए टंका पाकिस्तान रु बांग्लादेश रो जलपथ दे बालेश्वर को आसुथिबा संदेह करा जाउछि। जहाकु ने भारत पई आगामी दिन रे एक बड़ विपद देखा दे पारे बोली आशंका करा जाउछि। अन्य पक्षरे शह शह बांग्लादेशी शरणार्थी प्रत्येक दिन जलपथ दे ओडिशा तथा बालेश्वर समुद्र उपकूल में प्रवेश करुछंती। पाकिस्तान टंकारे भारत विरोधी षड्यंत्र चलाइछंती। समुद्र उपकूल थाना गुड़िकर ढिला सुरक्षा व्यवस्था एहाकु आहुरी खोराक जोगाउछि। तबे सूचना थाउ कि बालेश्वर 74 किलोमीटर विस्तीर्ण बेलाभूमि रहिथिबा बेले सामुद्रिक थाना रहिछि मात्र दुईटि। आश्चर्यर कथा हेउछि बालेश्वर चांदीपुर थाना रे 32 जन कर्मचारी आवश्यकता थिबा बेले अछंती मात्र 4 जन। समुद्र कूल रे पेट्रोलिंग पई ना अछि बोट ना आवश्यकीय कर्मचारी। भारतर प्रतिरक्षा विभाग रो चिंता बढ़ाइछंती बांग्लादेशी शरणार्थी। डीआरडीओ तथ्य लीक घटना रे बांग्लादेशी शरणार्थी कर गोटे बड़ भूमिका रहीथिबा जहां वर्तमान जणा पड़िछि। बालेश्वर भद्रक रो चांदबाली केंद्रापड़ा जिला महाकालापड़ा रो खरीनासी जम्पू जगतसिंहपुर जिला पारादीप भली नोली अंचल रे निर्दिष्ट भाव केते संख्या रे बांग्लादेशी बेआईन भाव रहुछंती तेबे मानक गतिविधि को मध्य जातीय तदंतकारी संस्था एनआईए नजर रे रखिछि।
ଭୋଟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ରହି ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଜମା ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବନି ବୋଲି ସାଧାରଣ ନାଗରିକ କହିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକ ଓ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ବିବାଦରେ ୱାସିମ ଜାଫର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କୋଚ୍ଙ୍କର ବୟାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନରେ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜାଫର, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମାଲୋଚନା ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଅଣ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ବୋର୍ଡ ସମର୍ଥନରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ହଇଚଇ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦୀୟ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କୋଚ୍ ପଦରୁ ବିବାଦରେ ରହିଥିଲେ ଜାଫର। ୱାସିମ ଜାଫରଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରେମ, ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ, ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ସପକ୍ଷରେ ବୟାନକୁ ସମାଲୋଚନା। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଚ୍ ହେବା ଘୋଷଣା ପରେ ବି ଜାଫରଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ। ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ, ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତକୁ ରଦ୍ଦ କରିଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ୱିଲ୍ସ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜାଫର। ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କୋଚ୍ ଥିବାବେଳେ ଟିମ୍ରେ ଖେଳ ଜରିଆରେ ଇସଲାମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଅଶାନ୍ତ ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତ ପାକିସ୍ତାନରେ ଖେଳିବାକୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମନା କରିଛି, କାରଣ ଦେଶ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଖେଳାଳି ବଡ଼। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ୱାସିମ ଜାଫର। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡଠାରୁ ନିରାଶ ହେବାର ସବୁ କାରଣ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଗତବର୍ଷ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଉଭୟ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଫେରାଇବାର ଅଛି। ଅତି କମ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ରଦ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ରିକେଟ ରଦ୍ଦ ହେଲେ କେହି ବିଜୟୀ ହେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆତଙ୍କବାଦର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଏହି କଥାକୁ ଜାଫର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ନଜାଣିଲା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଖେଳିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ନିଜ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପନ୍ନ କରିବା। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଥମ ଅଣପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନର ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଜାଫର। ଅବଶ୍ୟ ୱାସିମ ଜାଫରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କୋଚ୍ ଥିବାବେଳେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ କୋଚିଂ ସ୍ଥାନକୁ ମୌଲବୀଙ୍କୁ ଡକାଇବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଟିମ୍ର ସ୍ଲୋଗାନକୁ ବଦଳାଇଥିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କୋଚ୍ ପଦରୁ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର କୋଚ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଦା କରିଥିଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ରଖିବ କି ଓଡ଼ିଶା? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ। ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ୱାସିମ ଜାଫର ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି, ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରେମ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖାହେଉଛି। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇ ରହିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ତନ୍ମୟ ଦାସ। ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଣୁନାହାନ୍ତି, ଉଚିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟର କେହି ବି ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ୱାସିମ ଜାଫର ପାକିସ୍ତାନ ସପକ୍ଷରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇକରି ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାରତୀୟ ପାଇଁ, ଭାରତ ପାଇଁ ବା ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ କ୍ରିକେଟର। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଆଲଝିମର୍ସ ଦିବସ। ଆଲଝିମର୍ସ ରୋଗର ଗମ୍ଭୀରତାର କାରଣ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ଆଲଝିମର୍ସ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଲଝିମର୍ସ ଏକ ମସ୍ତିଷ୍କ ରୋଗ ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦକ୍ଷତାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। 65 ବର୍ଷ ପରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲଝିମର୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ଯେ ଏ ବୟସ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ପାଇଁ ଏହା ସାଧାରଣ ଅଂଶ। ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ବିଶ୍ୱ ଆଲଝାଇମର୍ସ ଦିବସ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 21 ତାରିଖରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଆଲଝାଇମର୍ସ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଏହି ରୋଗ ପାଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା କରିବା, କାରଣ ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ଆଲଝାଇମର୍ସ ରୋଗ ବା ଡେମେନ୍ସିଆ ରୋଗ ଗୋଟିଏ ବୟସଗତ ରୋଗ ଏବଂ ଏହି ରୋଗର କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏକଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏହି ରୋଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଇୟର୍ଲି ଅବସ୍ଥାରେ ବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଦାନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ।
এই রোগক আমি চিহ্নট করা কিপরি সবুঠ বড় কথা হল এই রোগর প্রারম্ভিক লক্ষণ হল ভুলে যা কেবল যে মেমোরি এই রোগর লক্ষণ তা নুহ তা সহ বিহেভিয়ারাল সিম্পটমস আমার ভাবনা শক্তি কু এই রোগ এফেক্ট করে থাকে। সময় বুলেটিন কৈ ঠকিবা, নমস্কাৰ।